Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Authentic Cooking. आज हम बनाने वाले हैं बोटी कबाब. बोटी कबाब हैदराबाद की एक फेमस डिश है. चलिए अब देखते हैं इसका बनाने का प्रोसीजर. इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ स्क्यूअर्स. अब हम इसे पानी में भिगो देंगे ताकि जब हम इसमें बोटियां लगा के इसे भूनेंगे तो ये स्क्यूअर्स जले ना, वरना अगर हम पानी में इसे नहीं भिगाएंगे तो ये जल जाते हैं. इसे हम भिगोकर एक साइड में रख देंगे. जब तक ये भीगते रहेंगे हम तैयार कर लेते हैं हमारा मैरिनेट. इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स. चलिए देखते हैं. हमने लिया है एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो बड़े चम्मच हमने लिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट, कबाब चीनी, जौस जावित्री, और हमने लिया है एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो बड़े चम्मच दही. हमने लिया है एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, दो चम्मच हमने ली है लाल मिर्चियों का पाउडर, और 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक. नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं. अब हम एक बोल लेंगे. बोल में हम डालेंगे गोश्त. हमने लिया है 1 किलो गोश्त जिसके हमने छोटे छोटे बोटियाँ बना ली है. उसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून नींबू का पानी, नींबू का रस. हम उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पपीते का पेस्ट भी हमने डाला है इसमें. हमने 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट लिया है और हमने दूसरे जो मसाले थे वो सारे इसमें अच्छे से डाल दिए हैं और उसे मिक्स कर लिया है. ये कबाब चीनी, जौस जावित्री हम कूट कर इसमें डालेंगे इस तरह से. हाँ, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए. ये देखिए 2 से 3 घंटों के बाद हमारे स्क्यूअर्स कुछ इस तरह के लगते हैं और हम बोटियों को इस स्क्यूअर्स में पिरो देंगे इस तरह से. एक एक स्क्यूअर्स में करीब आप 4 से 5 बोटी डाल सकते हैं. अब हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पर, उसका फ्लेम हाई पर रखेंगे, उसे अच्छे से हीट कर लेंगे. उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर स्क्यूअर्स को भूनने के लिए रख देंगे बोटी कबाब के. एक तरफ होने के बाद इसे हम पलट कर दूसरी तरफ भी 2 से 5 मिनट तक इसे पका लेंगे. इसकी हम दूसरा बैच भी इसमें डाल दिए हैं. इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इस पे रेड कलर के पैचेस ना आ जाए. अब हम इसे सर्व करेंगे एक डिश में. इस तरह का वो लगता है बनने के बाद. बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा. इसे आप सर्व कर सकते हैं प्याज के स्लाइसेस, नींबू और हरी चटनी के साथ. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए. और अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़.